यूपी के अंतिम चरण का चुनाव 7 मार्च को है। 7 मार्च को मऊ जनपद की मऊ सदर सीट पर चुनाव होना है, लेकिन उससे ठीक पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया है। सबसे पहले आप ये बाहुबली मुख्तार अंसारी के साहबजादे का बयान सुनिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया जो यहां है वो यहां ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। इस वीडियो में अब्बास अंसारी कह रहे हैं कि सूद समेत वापस लौट आऊंगा। जो आज डंडा चला रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ कि 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वह यही रहेगा। जिस जिस के साथ जो जो किया है उसका हिसाब किताब यहाँ देना पड़ेगा। अब्बास अंसारी बांदा जेल में बंद कुख्यात वर्तमान में विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी वही शख्स है जिन्हें पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा लाया गया और उनकी अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। यूपी सरकार के बुलडोजर ने मुख्तार अंसारी की गाजीपुर से लेकर मऊ तक की अवैध संपत्तियों को तबाह कर दिया और उसका असर मुख्तार अंसारी के बेटे के भाषणों में नजर आ रही है। यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने वीडियो के मामले में जांच का आदेश दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने एक सार्वजनिक रैली में कथित तौर पर विवादास्पद बयान दिया था। मऊ पुलिस को वीडियो की जांच करने और कार्रवाई करने का आदेश दिया। बता दें कि अब्बास अंसारी सपा गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहकर आया हूं कि 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी। भैया